यार आज बेसिकली हम एक मार्केट जाएंगे। आज की जो मार्केट हम जाने वाले हैं वो एक एंशियंट प्रोडक्ट्स मार्केट है। यहाँ पे तकरीबन के सारा हिस्टोरिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 50 साल, 200 साल, 300 साल मिक्स होता है, आपको ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा आइटम हिस्टोरिक मिलता है। पुराने ज़माने की तलवारें, पुराने ज़माने के जितने भी प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, सारे पुराने प्रोडक्ट्स हैं। और इनकी कोई मैं आपको प्राइस गाइड नहीं दे सकता, जितना पुराना प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस होगी और बार्गेन आप अपने हिसाब से करते हैं। तो इस मार्केट का मैं आपको प्राइस गाइड नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस मार्केट का ओवरव्यू दे सकता हूं कि यहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। फाइनली हम मार्केट पहुंच गए हैं और जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे जिसमें तलवारें हैं, डिफरेंट तरह की क्रॉकरीज हैं, कोई कूलर आपको पुराने ज़माने का दिख रहा है, कोई हाथी आपको दिख रहा है, और ये गन है, ये बेसिकली ये भी शोपीस है, बहुत पुराना नहीं है ये, लेकिन ये घर में एज अ शोपीस यूज़ होता है, हो सकता है 15 साल 20 साल पुराना हो, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लगता। आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉकरीज, डिफरेंट डिफरेंट तरह के शोपीस मिलेंगे जो आप अपने घर में रख सकते हैं, और ये ज़्यादातर पुराने हैं। और यहाँ की प्राइस की गाइडलाइन मैं आपको नहीं दे पाऊँगा क्योंकि सबकी अपनी प्राइस है, और जितना पुराना प्रोडक्ट होगा उतनी ज़्यादा प्राइस होगी। जैसे ये संदूक है, जैसे पुराने ज़माने में इस तरह के संदूक यूज़ होते थे स्टोरेज के लिए। ये मिरर है जिसमें आप मुझे तो देख रहे हैं, लेकिन यही मिरर था जो पहले यूज़ होता था, अभी तो फैंसी मिरर यूज़ होते हैं, वरना पहले के दौर में ये इस तरह के मिरर यूज़ होते थे। ये तलवारें रखने की एक स्टैंड होता था जो दीवार पे हैंग हो जाता था। तो इस तरह के ये देखें, आपको अलग अलग किस्म के बर्तन टाइप चीज़ें दिख रही होंगी। ये कूलर देखें, आपको देखने से आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी पुराना है। ये शोपीस हो गया, ये मंगोल्स के शोपीस हो गए। आपको यहाँ पे बहुत डिफरेंट आइटम मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फेस के शोपीस मिलेंगे, और देखने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आज के दौर के नहीं हैं, काफ़ी पुराने हैं, और पहले के दौर में इस तरह के शोपीस यूज़ होते थे जो कैरी फॉरवर्ड होके अभी आपको मिल जाते हैं इस तरह के। जैसे ये आप दो शोपीस देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको यहाँ पे बहुत आइटम मिलेंगे। ये एक बाजा है जो पहले की शादियों में बजाया जाता था, अब तो अलग ही बाजे होते हैं। और भी आप चीज़ें देख रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट थर्मस हो गए, डिफरेंट शोपीस हो गए। ये बेसिकली एक सिंग है जो किसी जानवर का है, जिसको प्रॉपर क्राफ्ट करके अंदर से होल बनाया ताकि आप इसके अंदर चीज़ें जैसे वाटर या कोई भी लिक्विड आप अंदर फिल कर सकें। अब ये एक अच्छी चीज़ लगी थी मुझे, ये आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, पुराने ज़माने में एक ये म्यूज़िक प्लेयर होता था, इस पर आप ये सीडी लगाते थे, और ये पॉइंट जब आप सीडी पे रखते थे तो ये खुद ब खुद घूमता था और इसमें से साउंड आता था, म्यूज़िक प्ले होता था ऑटोमेटिकली। तो ये काफ़ी पुराना है, कुछ 30-40 साल पुराना तो आइटम होगा ये। और ये देखें, ये एक तलवार है, ये कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, कुछ 10-15 साल ही पुरानी होगी। इस तरह के बहुत आइटम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अब ये एक डैगर है, ये बहुत पुराना डैगर नहीं है, लेकिन इस वीडियो में आपको 2-3 और डैगर दिखेंगे जो बहुत ही पुराने हैं, कोई 50 साल कोई 100 साल पुराने डैगर आपको दिखेंगे। जैसे ये है, ये मेरे हिसाब से कुछ 50 साल पुराना तो डैगर है, और इसकी प्राइस मैंने पूछी थी, ये आपको कुछ 3,000 का यहाँ पे मिल जाता है बार्गेन के बगैर। अब बार्गेन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको और चीप पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी थी। इसको जब आप होल्ड करते हैं तो आपको एक आइडिया होता है कि ये थोड़ी डिफरेंट मटेरियल का है, और ये वही है जो अभी आपने देखा था होल्डर जिसमें आप अपनी तलवारें रखते हैं।
लेकिन अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, एक रफ एस्टिमेट, तो तकरीबन आपको 1,000 से लेके 5,000 तक में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। कोई इससे भी सस्ता मिल जाएगा अगर वो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं होगा, लेकिन माइंड में रखें कि तकरीबन 1,000 से 5,000 के बीच में आपकी डील बन सकती है यहाँ पे कोई भी आइटम के लिए। हाँ, लेकिन अगर कोई बहुत ही एंटीक चीज़ है तो वो उसके मुंह मांगे पैसे होते हैं 20-25 हज़ार। अब जैसे ये सूट है, ये कोई पुराने ज़माने का कोई जनरल कमांडर या किसी का सूट है, तो ऑब्वियसली कोई पुराने जो शौकीन होते हैं वो इसके मुंह मांगे पैसे देने को तैयार होते हैं, और इसी वजह से ये लोग फिर उनसे वही पैसा मांगते हैं जो आइटम डिज़र्व करता है। शो पीस तो आपको यहाँ पे बेतहाशा मिलेंगे, मतलब एक से एक शो पीस है और हर कैटेगरी का शो पीस है। मतलब अगर आप हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं तो उस तरह के भी शो पीस आपको मिलेंगे, अगर आप पुराने मंगोल्स में इंटरेस्टेड हैं तो उस तरह के शो पीस भी मिलेंगे, और अगर आप ममी शमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो उस तरह के भी मिलेंगे। मतलब आपको यहाँ पर बहुत वेराइटी मिलेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब ये एक तलवार थी, तलवार डैगर मिक्स है, ये ओमान का है बेसिकली, बहुत पुराना नहीं है लेकिन ये फिर भी 20-30 साल पुराना तो है। ये ओमान की अपनी खुद की वो स्टेटस वेपन कह लें आप, जो सिर्फ ये लोग कैरी करते हैं अपना स्टेटस शो करने के लिए। ये बाबू राव का टेलीफोन है, ऑब्वियसली यू नो बाबू राव, वी ऑल नो बाबू राव। ये टाइपराइटर है और भी यहाँ पे आपको मल्टी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, मैं इस डैगर की बात कर रहा था, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा, आप अगर इसकी इस पे जंग देखें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कम से कम 100 साल पुराना आइटम तो है, क्योंकि इसकी बनावट, इसका जंग आपको खुल खुल के कह रहा है कि भाई ये काफ़ी ओल्ड आइटम है, और ये कुछ मुझे इसने 6-7 हज़ार रुपये इस डैगर के बोले थे। अच्छा, ये एक डैगर था जिसकी मैं पहले बात की है मैंने, ये कुछ ज़्यादा ही इंतहाई पुराना लगता है मुझे अभी तक जितने भी डैगर देखे हैं उनमें से, क्योंकि ये बना ही कुछ अलग किस्म का है। इसकी चादर भी बहुत पतली है और ये कुछ डिफरेंट है, मतलब ये अगर आप लाइव देखेंगे ना तो ही आपको आइडिया होगा कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कोई
आजकल की कारीगरी नहीं है ये, काफ़ी टाइम पुरानी कारीगरी। अच्छा, ये मेरा फेवरेट आइटम है। बेसिकली ये कैमराज हैं जो पुराने दौर में यूज़ किए जाते थे। अभी तो हम ऑब्वियसली डिजिटल फॉर्मेट पे आ चुके हैं, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, DSLR, लेकिन ये पुराने ज़माने में यूज़ होते थे और एक एक तस्वीर बहुत मायने रखती थी। मतलब एक एक तस्वीर खींचने के लिए बहुत मंजन करने पड़ते थे। अभी तो आपके पास बेतहाशा स्टोरेज है, आप जितनी चाहे कभी भी तस्वीरें अपने मोबाइल से खींच लें, DSLR से खींच लें, लेकिन ये कैमराज हार्ड टू हैंडल थे लिटरली। मतलब बहुत मुश्किल से आप तस्वीरें अरेंज कर पाते थे किसी को खींचने के लिए। ये मैं आपको कैमरा अलग से दिखा रहा हूँ, ये कुछ मुझे नहीं पता कितना पुराना है, लेकिन मैंने जब से पैदा हुआ हूँ तब से ऐसा कैमरा तो मैंने नहीं देखा। तो ऑब्वियसली ये 50 साल पुराना तो हो ही गया होगा। हाँ, मेरी एज 50 साल नहीं है, लेकिन एक आइडिया बता रहा हूँ। बाकी ये आप देखें, इसका तस्वीर, इसके ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है जो आपको ब्लरी इमेज शो करता है फ्रंट की तस्वीर खींचने के लिए। अभी मैं आपको सही से दिखाऊंगा कि सामने अगर आप देखें, ये देखें, इसमें आपको एक ट्रे दिख रहा है और वही ट्रे सामने मौजूद है। मतलब ये मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ ऐसे फिट हुआ हुआ है कि इसमें जब आप देखेंगे तो आपको फ्रंट इमेज शो होगी और फिर आप तस्वीर खींचेंगे। और अब हम आए हैं मेरे फेवरेट प्रोडक्ट पे। ये लिटरली 100 से 150 साल पुरानी तलवार है। इसको आपको देखने से भी आइडिया हो रहा होगा और ये वाकई में काफ़ी पुरानी है और वी नेवर नो ये किस किस जंग में यूज़ हुई हो और किस किस ने इसको यूज़ किया हो। तो ये कुछ 100-150 साल पुरानी तलवार है और इसका वेट कहीं नहीं कहीं नहीं 4 से 5 किलो तो था। आपको शायद वीडियो में शो ना हो रहा हो लेकिन इसका वेट काफ़ी था। ये उसी तरह की है लेकिन इसके अगर बीच में आप देखें तो एक डिज़ाइन टाइप टेक्सचर चल रहा है। पहली वाली तलवार के बीच में ऐसा कोई भी टेक्सचर नहीं था, लेकिन ये दोनों 100 से 150 साल पुरानी तलवारें हैं और 4 से 5 किलो की एक तलवार थी। ये भी एक तलवार है लेकिन ये तलवार कुछ बहुत पुरानी नहीं है। ये बेसिकली सऊदिया की तलवार है और ये हो सकता है कुछ 20-30 साल पुरानी हो, इससे ज़्यादा पुरानी तो मुझे नहीं लगती। ना इसके टेक्सचर में कोई ऐसा है जो आपको फील कराए कि ये एंशंट है, ना ही इसके ग्रिप में। मतलब ये सब कुछ आपको 20-30 साल पुरानी लगती है।